हेलो गाइज, राजा हॉर्न ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग पहुंचे हैं हॉन्टेड वीडियो बनाने के लिए, हॉन्टेड जगह पर। यहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं जो फोन करके हमको बुलाए थे कि यहाँ पर जो बांस आपको पीछे दिख रहा है, इसमें से अजीबो तरह से आवाजें आती हैं। इधर उनका घोटा गाड़ी है जो यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। इस बांस पर से ऊपर से चढ़ करके कुछ नीचे कूदता है, रात में ऊपर से चढ़ करके कोई नीचे कूदता है, और यहाँ पर अजीबो तरह से हरकतें होती रहती हैं। चलिए आप लोगों को उनसे मिलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या होता है यहाँ पर। हम लोग भी मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ अच्छी तरह से हम लोग समझे भी नहीं है। उनसे डायरेक्ट बात करते हैं और पूछते हैं कि उनसे क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है। आइए आप लोग को उनसे पूछते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होता है आप यार, यहाँ पर घोटा गाड़ी आप देखिए। हम यहाँ 4-5 साल से हम गांव में रह रहे हैं, हमको सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारे मतलब रोजे बताते थे आते थे, यहाँ पे तरह तरह की आवाजें आती है, लोग का आना जाना शाम को बंद हो जाता है। अच्छा। और तमाम तरह के मतलब हरकतें देखने को मिलती है, कभी बांस पर कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, आवाजें अजीब आती हैं। तो मैंने भी अभी 2-4 दिन पहले आप लोगों का वीडियो देखा था, तो मैंने देखा कि आप लोग अच्छा काफी अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग हर जगह से जितने भी शैतानी आत्मा को मुक्त कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोग बुलाए और अपने गांव को भी शैतान मुक्त बनाए कि यहाँ पे भी कोई डर न लगे, आदमी अपना काम सुबह समाए जाए करे, कोई डरे नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं आप लोगों को, आप आए हुए तो हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे ये हरकत होता है, फिर आप अपने हिसाब से इनका कार्रवाई करिए और इस गाँव को शैतान मुक्त गाँव बनाइए कि वहाँ पे लोग आए जाए अपना काम देखे। ठीक है, चलिए आगे वीडियो लेकर चलते हैं आप लोग के साथ। चलिए आइए हम आपको दिखा देते हैं। यही सामने का जो रास्ता है ना, यही जो तरह तरह की आवाजें आती हैं और जाता है, और आने वाले आने जाने वाले हर आदमी को परेशान करते हैं। आप लोग देख रहे हैं काफी रात हो चुका है यहाँ पर, रात के 11:30 बज रहे हैं इस समय, और हम लोग चल रहे हैं होटल पर वीडियो को शूट करने के लिए। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, हमारे माध्यम से जुड़े रहिए और देखिए आगे सामने वही है ना, सामने होता है वही रास्ते पे ही पूरा बांस झुका हुआ है। ये काफी पुराना बाजार है, बहुत पुराना बाजार है। यहाँ पे शाम के बाद से यहाँ पे आना जाने रास्ता बंद हो जाती है, हमेशा कोई नहीं आता, क्योंकि ये परेशानी से कम थोड़ा 4-5 साल से लोग बहुत परेशान है। हम गांव आए, हमको ये सुनने को मिला, इसके लिए मैंने आपका चैनल देखा, आपको फोन किया कि हमारे गांव को भी ये जितने भी तकलीफें परेशानी हो रही है जो शैतानी आत्माओं से, इसको मुक्ति करिए, आपसे यही दुआई से। आप लोग देखिए कितना पुराना पेड़ है, सबसे पुराना पेड़ है, कम से कम 300 साल पुराना पेड़ है, पूरा झड़ चुका है, तभी भी अभी खड़ा ही है, गिरा भी नहीं है। आपसे पहले भी हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हमारे गांव वाले इतने तकलीफ में थे, बहुत सारे लोग तांत्रिक बाबा लुआए, लेकिन इन्होंने कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उनको वो इतना अजीब तरह का शैतानी आत्मा है कि हर किसी को परेशान करता है। अभी आप लोग का आपका हमने देखा बहुत सारे जगह आपने शैतानी मुक्त किया आपने, तो हम आपने बहुत उम्मीद से बुलाए हैं कि आप इस तकलीफ से हमको सबको दूर करिए कि यहाँ पे आना जाना सब चालू हो और कोई तकलीफें ना हो। आगे लेकर आपको देखिए बांसें लटकी हुई है, यहाँ पे 7 बजे के बाद यहाँ पे इधर आना सब कुछ बंद हो जाता है, तरह तरह की आवाजें आती हैं। क्या सामने कुछ दिख रहा है उधर से? तो सामने देखिए कुछ दिख रहा है, सामने वो देखिए दिख रहा है, काला पहना हुआ है, देखो ये देखिए ऊपर 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 ये देखिए बाल ऊपर नीचे कर रहा है, देखिए वो देखिए
ये ऐसे डरा रहा कि चालू कर दिया उसने डराना, उसको मालूम पड़ गया कोई ना कोई आया है, इसी बात पर रहता है। देखिए बांस लटका भी हुआ है। हाँ अरे ऊपर हम ही नहीं इस गांव के हर आदमी परेशान है। एक बार आप खुद आत्मा देख लीजिए, आप एक बार जगह पर देख लीजिए, आप देख लीजिए वो आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरह के जगह और कैसे कैसे हमारे कहने का मतलब क्या, कैसे कैसे डरावनी हरकतें आती हैं तरह तरह की। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए ये देखिए, ये बहुत पुराना पेड़ है, कम से कम 300-250-300 साल हो चुका है इसके। उसका माना जाता है कि गांव वालों को कहना है कि इसमें उसका निवारण रहता है, इसमें वो रहता है दिन में रात में रहेगा और रात में उतर के तमाम तरह आवाजें करते हैं, लोगों को परेशान करता है। गांव वालों का मतलब कहना है कि बहुत खतरनाक एरिया है, पूरा ये खतरनाक एरिया है। दिखाइए पेड़ को, दिखाइए बोल रहे थे 200-300 साल पुराना पेड़ है, इसी पर रहता है वो। अभी तक तो हम लोगों को कोई हलचल देखने को नहीं मिला यहाँ पर, बस एक ही शुरू में गए वो मतलब बोले तो बाल उड़ रहा था। देखिए यही पेड़ है, यही पे तरह तरह की आवाज़ आती है, टाइम हो गया है अभी, आप जैसे आपने वहाँ पे देखा ना उसको मालूम है कि हम लोग आ गए यहाँ पे, इसके लिए वो तरह तरह की आवाज़ें निकालेगा हमको। आइए हम देखिए आपको दिखाते हैं, यही जो पेड़ है इन जगह पर जो तरह तरह की हरकतें करती है और तमाम तरह लोग बोलना चाहते ढूंढते हैं। ये पेड़ बहुत ही भयानक है, यहाँ से गुजरने वाला हर कोई को परेशान करती है। यही पेड़ हमारा आया है, वो चाहती नहीं है कि आप लोग उसको मुक्त करें यहाँ से, इसके लिए थोड़ा थोड़ा हरकतें करेंगी, लोगों को डराएगी, बहुत लोगों को डराती है, इतने लोगों को जान आत्महत्या जान भी ले ली है उसने। अब ये यही पेड़ है, देखिए अभी कुछ ना कुछ हम लोग आए, उसको मालूम पड़ा है कि हम लोग आए हैं, कुछ ना कुछ हरकतें करेगी। देखिए उसको सरकारी अस्पताल भस्म करने के लिए, इसके लिए सबको डरा रही है, अटैक करेगी। देखिए ऐसे ऐसे ही जिस जो भी आता है इसी तरह की हरकतें करती है कि यहाँ से लोग यहाँ से गुजरना छोड़ दिया, उसको इसको यहाँ से कोई निकाले नहीं, इसके लिए परेशान सबको करती है वो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इसको कैसे भी करें इसको बंदी बनाइए कि हमारे गांव वालों को यहाँ से आना जाना चालू हो जाए और मुक्त हो जाए यहाँ से। इसका पर्दाफाश करेंगे कि वो आत्मा है कि कोई और है, आत्मा के लिए यहाँ पर चोरी वोरी नहीं होता है। नहीं चोरी नहीं होता है, गांव में बस तकलीफें एक ही है। आपका हमने वीडियो देखा, बड़ी उम्मीद से आपको बुलाए हैं कि हमारे गांव को सरकार मुक्त करिए कि यहाँ पे लोगों ने जितने तरह की परेशानियां हो रही लोगों को वो इससे छुटकारा मिल जाए। Please like and subscribe. बस इसको कैसे भी करके अपने आप में बस में कर दीजिए, इस गांव को शैतान मुक्त बना दीजिए। देखिए अपना हरकतें चालू कर दिया उसने, बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। 300-250 साल से पूरी रह चुकी है, बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है, बहुत पुराना शैतानी आत्मा है वो। इधर किसी कोई आत्महत्या होती है कुछ किया नहीं था, आत्महत्या बताने वाले बताते हैं कि आगे आज के 1.5 से 2 साल पहले एक छोटे बच्चे का आत्महत्या हुआ था, छोटे बच्चे का आत्महत्या हुआ था आज के 2 से 3 साल पहले जो बताया जाता है। मानते हैं गांव वाले उसका छोटा वाले बच्चे का आत्मा अभी तक उसके अंदर ही है जो अपना बदले के रूप में गांव वालों को परेशान करती है। बस आपसे खड़ा डर लग रहा है। देखिए आप आए हैं तभी हम लोग आए ना, तो यहाँ 7 बजे के बाद, देखिए 7 बजे के बाद इधर से आना जाना सब बंद होता है, गांव वाले एकदम सन्नाटा रहता है, कोई दिख भी नहीं रहा है, तभी भी आवाज आ रही है। देखिए आवाज आ रही है, ज्यादा रात हो चुका है, देखिए इधर पीछे से भी आवाज आ रही है, चारों तरफ से आवाज आ रही है, इधर से आवाज आ रहा था ना, इधर एक बार और चला जाए।
भाई जी, ये बहुत पुराना गड्ढा है, बताया था कि इसी में वो आती है, थोड़ा देर बैठेगी और फिर चली जाएगी। यहाँ पर एक गड्ढा और देखने को मिला था, हाँ इस साइड गड्ढा और देखिए वहाँ पे, ये बहुत पुराना गड्ढा है। जब भी नवरात्र चालू होता है तभी भी यहाँ पे गड्ढों में चारों तरफ हर तरह से बहुत सारे सरकारी आत्मा यहाँ पे हॉर्न करना चालू करती है और तरह तरह की आवाजें आती है। गड्ढा देखिए, गाँव वालों ने कितने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे बहुत लोग बहुत तांत्रिक बुलाया कि गड्ढे भरवाया जाए, आत्मा से मुक्ति पाया जाए, लेकिन उसकी उसकी हरकतें इतनी बढ़ गई है यहाँ पर कोई आता नहीं, कोई आता भी नहीं, जो भी आता है, देखिए जैसा आपने देखा भी कैसा उसने सबको डराया, हमको भगा रही कैसे कर रही है, तो उसको लग रहा है कि हमको बस में करना है, हमारे मतलब जीवन खत्म कर रहा है। देखिए कैमरा मुझे दिखाई, देखिए देखिए आवाज, देखिए वही पीपल देखिए सामने बताया था, फिर देखिए सात तरह तक आवाज आ रहा है। एक बार चला जाए क्या आगे, आइए आपको दिखाते, देखिए आगे आइए आइए आराम आना जाइएगा, देखिए वो बहुत खतरनाक चैतन्य आत्मा है, उसको मालूम पड़ गया कि हम लोग आए हैं उसको मंदिर में आने, उसके लिए तरह तरह की हरकतें करिए कि हाँ चले जाए। कैमरा कैमरा घूम कर देखिए सारे, देखिए सामने मैंने क्या था कि आप लोग कुछ और पास में जाए, क्योंकि यहाँ पे कितने लोग आए, कितने लोगों तो अपने अपने बस में कर ली उसने, सब लोग आए उधर ही जा रही है, देखिए उधर उधर वही अरे बताया ना उधर भाई, जो 300 साल पुराना पेड़ है उसी पे उसका वो वहीं पे रहती है, साठ बैग पास यहाँ पे सन्नाटा पूरा, कोई आना जाना बंद हो जाता है। आइए आइए आगे दिखाता भाई, क्योंकि तो जान पे आ सकती है, बहुत पुरानी आत्मा है। ठीक है आइए आप लोग हम दिखाते हैं, दूर से देखिएगा कैमरा में, देखिए देख रही है, देखिए आगे मत जाइए, आगे मत जाइए, आगे बहुत खतरनाक है, बात मानिए आगे मत जाइए, यहाँ पे गांव वाले ने बहुत सारे ऐसे केस लिख चुके हैं, आप आगे मत जाइए, देखिए उसको मालूम पड़े कौन तुम कौन हो, क्या चाहती हो, कौन हो तुम, अरे बापरे अरे यार निकलो इधर से, निकलो 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 इधर से, निकलो अरे बापरे, देखा आपने ना, देखा आपने कैसे हरकतें करती है वो, सीधे जान पे आया था वो, जान के भूखी है वो, यहाँ से चलते हैं, ज्यादा रात भी हो चुका है, यहाँ से हम लोग निकलना चाहेंगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, लिख लो यार, अरे बाप रे, देखा आपने कैसे जान पे आ गया उसने, ऐसी अजीब हरकत करके सीधे जान पे आ जाता है वो, अपने चाहती है कि ज्यादा ज्यादा आदमी को मारे, अपने बंदी बनाए और अपने इस गांव वालों पर राज करे। यहाँ से हम लोग को निकल रहे थे, कल व्यवस्था बनाकर हम लोग आएंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, अपने विद्वान आदमी हमारे हम लोग के साथ रहते हैं, तांत्रिक लेकर के हम लोग पहुँचेंगे यहाँ पर। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं, आपका हम बहुत वीडियो देखे हैं, आपने बहुत सारे गाँव को आपने शैतान मुक्त बनाया, इसके लिए आपको मैंने फोन किया, मैं चाहता हूँ गांव वाले इस परेशानियों से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो आप अपना जैसा भी करिए, अपने जो भी बाबा को बुलाएं बुलाइए और इस गांव को शैतान मुक्त बनाइए। देखिए कितना खतरनाक है, जान पे आ गया आप लोग, कैसे बच के जान बचाए आप, नहीं तो कल हम लोग पूरा व्यवस्था के साथ यहाँ पर पहुँचेंगे, हम लोग समझ रहे थे कि लाइट बंद हो गया, कुछ भी होगा यहाँ पर, डिस्चार्ज हो गया लाइट, हम लोग का लाइट भी डिस्चार्ज हो चुका है, हम लोग यहाँ पे उतना खतरे ज्यादा खाली नहीं है, तो आप हम लोग चलते अभी, कल आप अपने आगोरी तांत्रिक को लेके आइए, इसको अपने बस में करिए और गांव वालों को शैतानी आत्मा से मुक्त करिए। इट करो तो चलिए गाइस, आप लोग देखें कि यहाँ पर
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोग अच्छी तरह से देख चुके होंगे। अब कब अगले पार्ट में हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर अपने पूरे व्यवस्था के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वीडियो बनाने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ से उस आत्मा को मुक्त कराएंगे, यहाँ से उसको हटाएंगे भगाएंगे। यहाँ पर पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। तो गाइज आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम लोग यहाँ पे वीडियो बन कर रहे हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। गाइज आप लोगों के लिए इतना हम लोग रिस्क लेके वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे आके इतना खतरनाक जगह पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।